बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास के 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ आइस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। 8 आइस ड्रॉप्स है जो आइडेंटिकल है और जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड है, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। द ड्रॉप रिकम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। उसके बाद इन तमाम 8 के 8 ड्रॉप्स को कम्बाइन किया जाता है और उससे एक सिंगल ड्रॉप बनाया जाता है। नाउ व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। अब न्यू टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। सो लेट हमारे पास है 8 इक्वल ड्रॉप्स है। लेट ये हमारे पास 8 इक्वल ड्रॉप और ईच की जो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड, आइडेंटिकल ड्रॉप। उसके बाद क्या किया जाता है कि इन सबको कंबाइन किया जाता है और एक ही ड्रॉप बनाया जाता है। लेट जब इन 8 के 8 ड्रॉप्स को कंबाइन किया तो लेट ये ड्रॉप हमारे पास बन गया है। अब इसकी जो है टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरा पॉइंट के लेट यहाँ पे हमारे पास ईच ड्रॉप की जो रेडियस है लेट उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ड्रॉप का जो रेडियस होगा लेट इसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी को हम वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, गिवन डेटा है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है वी टी जो कि बराबर है 0.1 मीटर पर सेकेंड। नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है लेट मैं इसको एन का नाम दे देता हूँ, वो हमारे पास है 8। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है कि व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी जब इसको कंबाइन किया जाता है, मीन्स इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी टी डैश से, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। सिमिलरली वी टी डैश जो हो जाएगी वो फिर बराबर होगी 2 रो जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमने हमारे पास आर की वैल्यू वो तो आइडेंटिकल है, हम ये आर डैश की तरफ आते क्योंकि जब तक हमें आर डैश का पता नहीं चलेगा हम जो टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम आर डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि आर डैश की वैल्यू कितनी है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है, चूंकि ये स्फीयर्स हैं तो हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर होगा वो क्या होगा, वी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, अब जनाब ये जो वॉल्यूम है इस न्यू का ये इन 8 के वॉल्यूम के बराबर होगा बिकॉज ये इन सबको कंबाइन करके एक ही जो है ड्रॉप बनाया गया है। नाउ हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर ये बराबर होगा 8 ऑफ दीज 8 ड्रॉप की जो वॉल्यूम है जिसको हम 8V लिखते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज करते हैं इसमें हमारे पास आ जाएगा वी डैश जो है वो 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये बराबर होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम देखें इसमें कैंसिलेशन होती है 4/3 पाई पाई के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा कि आर डैश क्यूब जो है ये बराबर है 8 आर क्यूब के। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर डैश क्यूब जो है ये 8 जो है 2 का क्यूब है तो हम लिख सकते हैं कि 2 आर होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब रूट लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा कि आर डैश जो है ये बराबर हो जाएगा 2R। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डैश इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट के वी टी डैश जो है ये बराबर हो जाएगी 2 रो जी। अब यहाँ पे आर डैश तो आर डैश की जगह क्या आ जाएगा 2R एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। अब जनाब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि वी टी डैश जो है ये बराबर हो जाएगा कि 2 रो जी, अब ये 2R स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी टी डैश जो है ये बराबर, अब इस 4 को बाहर लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब अगर इसको हम देखें ये जो हमारे पास टर्म आया हुआ है कि 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा, ये बिल्कुल इसके बराबर है, ये वी टी के बराबर है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगी वी टी। दैट इंप्लाइज दैट कि वी टी डैश हो जाएगी 4 और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगी वी टी, बिकॉज ये टर्म जो है
ये वी टी के बराबर है। अब नाउ पुटिंग वैल्यूज, वी टी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 0.1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि वी टी डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। जब हम इन्हें सॉल्व करें हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.4 मीटर पर। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द न्यू आयल ड्रॉप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा सो न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड है हमारे पास के वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर होज विद अ स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर। कोई फायर होज, फायर पाइप आप कह सकते हो, उसका डायमीटर हमारे पास 9.6 और उसमें जो है वाटर जा रही विद स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ द होज द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल हुज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। दूसरे साइड पे जो वाटर वहां से बाहर जा रही है और दूसरे साइड का जो डायमीटर है वही 2.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल। तो इस नोजल से जो पानी जा रही है उसकी स्पीड कितनी होगी। नंबर बी, व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड टू गिव वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑप्शन में अगर स्पीड जो है वो 21 मीटर पर सेकेंड मीन्स वाटर जो है 21 मीटर पर सेकेंड के साथ बाहर जा रही है तो फिर नोजल का डायमीटर कितना होगा। नाउ गिवन डेटा, हमें जो ये डायमीटर गिवन है D1 जो कि बराबर है 9.6 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं कि 0.096 मीटर। अगर रेडियस हम फाइंड आउट करना चाहे तो वो होगा D1 बाई 2 जो कि बराबर आएगा 0.048 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं 1.3 मीटर पर सेकेंड। फिर जो ये हमें डायमीटर गिवन है सेकेंड D2 जो कि बराबर है 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बराबर होगा 0.0525 मीटर। सो R2 की वैल्यू फिर क्या होगी D2 by 2 जिससे हमारे पास आ जाएगा 0.0125 मीटर। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारे पास ऑप्शन ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट, V2 हमने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन बी में व्हाट डायमीटर मींस हमने D2 फाइंड आउट करना है इफ V2 हमारे पास कितनी हो 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑप्शन ए, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है कि A1V1 ये बराबर है A2V2। अब यहाँ पे एरिया तो नहीं है तो एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर V1, तो यहाँ पे मैं R1 लिख लेता हूँ, ये भी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये R2 एंड V2। अब ये पाई और पाई क्या हो जाएगी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। क्योंकि हम V2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो R2 स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि V2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यूज करते हैं इसमें। सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा कि V2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 0.048 होल स्क्वायर, V1 की वैल्यू हमारे पास है 1.3 डिवाइडेड बाय R2 वो बराबर है 0.0125 एंड होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 19.17 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमें V2 गिवन है, हमने D2 को फाइंड आउट करना है। अगेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट के A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। पाई और पाई क्या हो जाएगी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। अब यहाँ पे हमसे डायमीटर मांगी जा रही है, सो R किस चीज़ के बराबर होता है वो D/2 के बराबर होता है। सो यहाँ पे R1 की जगह आ जाएगा D1/2 होल स्क्वायर इंटू V1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D2/2 होल स्क्वायर एंड V2। अब इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड V2। क्योंकि हमें ये D2 चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। हमें D2 चाहिए तो V2 पे डिवाइड कर लेते हैं,
हमारे पास आ जाएगा कि डी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वन स्क्वेयर वी वन डिवाइडेड बाई वी टू। हमें जस्ट डी टू चाहिए तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट कि डी टू इज इक्वल टू डी वन स्क्वेयर वी वन डिवाइडेड बाई वी टू एंड होल स्क्वेयर रूट। नाउ पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा कि डी टू इज इक्वल टू, अब डी वन की वैल्यू हमारे पास है 0.096 होल स्क्वेयर, वी वन जो हमारे पास है 1.3 होल डिवाइडेड बाई, अब वी टू जो हम ऑप्शन डी वाले लिखेंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है 21 एंड होल स्क्वेयर रूट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.0238, इसकी राउंडिंग ऑफ करते तो ये 0.024 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है हमारे पास कि अ फिश टैंक हैज डायमेंशन 0.30 मीटर वाइड बाई 1.0 मीटर लॉन्ग बाई 0.60 मीटर हाई। कोई एक फिश टैंक है जिसका जिसके डायमेंशन है वाइड कितना है 0.30 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 1.0 मीटर और उसकी हाइट जो है वो 0.60 मीटर है। इफ़ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन टैंक वंस एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे के बाद अगर उस वाटर को फिल्टर किया जाता है, वट शुड द फ्लो स्पीड बी इन 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर द फिल्टर। तो अगर जो ट्यूब फिल्टर के लिए यूज हुआ है उसका डायमीटर 3.0 सेंटीमीटर हो तो उसमें स्पीड कितनी होगी। नाउ गिवन डेट है हमारे पास, हमें डायमेंशंस गिवन है, तो वाइड है विथ हमारे पास है 0.30 मीटर, लेंथ जो है वो गिवन है 1.0 मीटर, हाइट जो है वो गिवन है 0.60 मीटर, ठीक है, टाइम जो है हमारे पास है 3.0 आवर्स। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 60 × 60। अब इसको चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा, इससे हमारे पास टोटल आता है 10,800 सेकेंड। इसके बाद डायमीटर गिवन है हमारे पास जो कि है 3.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। नाउ हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डेटा है कि व्हाट शुड बी द फ्लो स्पीड, हमसे स्पीड मांगी जा रही है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा वॉल्यूम फ्लो रेट जो कि हमारे पास डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये बराबर होता है ए वी, मीन्स वो कांस्टेंट रहती है वॉल्यूम फ्लो रेट। अब चूंकि हमें स्पीड चाहिए तो ये बराबर होगी 1 / a कर लेते तो 1/a डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड जो है ये बराबर हो जाएगी 1/a डेल्टा वी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे जो गिवन डेटा है हमारे पास ना, तो इसमें हमें वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है ना एरिया, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ फर्स्ट हम जो ये बात करते हैं वॉल्यूम की, तो हमें वॉल्यूम का पता है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं कि डेल्टा वी, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 0.60। इसको सॉल्व करते हो चेक करते रिजल्ट कितना आता है। स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.18 मीटर क्यूब। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया जो है ये बराबर है पाई आर स्क्वेयर, अब आर तो नहीं है हमारे पास डायमीटर है तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर जो है वो डी बाई टू के बराबर होता है, सो डी बाई टू होल स्क्वेयर। हमारे पास आ जाएगा एरिया जो है ये बराबर पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डी जो है वो गिवन है जो कि 0.03 मीटर डिवाइडेड बाई टू एंड होल स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास एरिया का एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा सुनिए, जब हमने एरिया की वैल्यू फाइनल तो हमारे पास आ गया 0.0070065। अब एरिया की वैल्यू भी आ गई है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है, टाइम ऑलरेडी गिवन है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट के स्पीड जो है ये बराबर हो जाएगा 1/ एरिया, एरिया की वैल्यू हमारे पास है 0. ये एरिया की वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0.818 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमारे पास है 10800।
अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.0235 मीटर पर सेकंड। इसके हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.024 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।